सावधान, कायोत्सव के लिए तैयार, खड़े खड़े कायोत्सर्ग का संकल्प करें। तस्य उत्तरीकरणेण पायच्चित्तकरणेण विशोहीकरणेण विसल्लीकरणेण पावाणं कम्माणं निघायनत्थाय थामिकाउसद्गं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। दूसरा चरण, सीधे खड़े रहें, दोनों हाथ साथल से सटे रहें, एडियां मिली हुई, पंजे खुले रहे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पंजों पर खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दूसरी आवृत्ति, दोनों हाथ साथल से सटे रहें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पंजों पर खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले आएं और शिथिलता का अनुभव करें। पूरी शिथिलता। तीसरी आवृत्ति, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पंजे पर खड़े होकर शरीर को तनाव दें, जितना तान सके। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले आए और शिथिलता का अनुभव करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला, शिथिलता का अनुभव। तीसरा चरण, पीठ के बल पर लेटें, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को सिर की ओर फैलाएं, जितना तनाव दे सके, हाथ और इधर पंजों का, पैर के पंजों का जितना तनाव दे सके दे। साथ में मूल बंध का प्रयोग, मूल बंध गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचना, मूल बंध का प्रयोग करें। शरीर को ढीला छोड़ दे। दूसरी आवृत्ति, दोनों हाथों को सिर की ओर फैलाएं, जितना तनाव दे सके, हाथों और पैर के पंजों का जितना तनाव दे सके दे। साथ में मूल बंध का प्रयोग। शरीर को शिथिल छोड़ दें।
तीसरी आवृत्ति, दोनों हाथों को सिर की ओर फैलाएं, तनाव दें जितना तनाव दे सकें, तनाव दें, मूल बंध का प्रयोग, शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ नीचे लाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब कायोत्सर की मुद्रा में आए, दोनों पैरों के मध्य एक फुट का फासला रहे, हाथों को शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर फैलाए, आंखें बंद, श्वास मंद, लंबा श्वास, मंद श्वास, शरीर बिल्कुल स्थिर, शरीर को स्थिर रखें, प्रतिमा की भांति अड़ो, पूरे कायोत्सर काल तक पूरी स्थिरता बनी रही। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें, प्रत्येक अवयव, पैर के अंगूठे से सिर तक प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें, जैसे हर अवयव भारी हो गया, बहुत वजनी हो गया, भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रूई की भांति हल्केपन का अनुभव करें, बिल्कुल हल्का, हर अवयव, शरीर का हर अवयव बिल्कुल हल्का हो गया है। चतुर्थ चरण, श्वास मंद और शांत, दाएं पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए,
अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो गया है, अंगूठा शिथिल हो गया है। पूरी शिथिलता का अनुभव, अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एदी, तखना, पिंडली, घुटना, साथल तथा कटी भाग पर ध्यान दें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दाएं पैर के अंगूठे से कटी भाग तक प्रत्येक अवयव की शिथिलता का अनुभव करें। अब बाएं पैर के अंगूठे से कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। बायां पैर अंगूठे से कटी भाग तक शिथिलता का अनुभव। पेडू के पूरे भाग को शिथिल करें, ध्यान केंद्रित करें,
शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव। पेट पर ध्यान दे, पेट के भीतरी अवयव, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपथ और गुर्दे, प्रत्येक अवयव पर ध्यान दे, शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। पूरे पेट के भाग को शिथिल करे। कहीं दर्द हो, पीड़ा हो, उसका अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देख लें, अनुभव करें। अब छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, दाई पसली, बाई पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा, इसी प्रकार बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। पूरे छाती के भाग की और दोनों हाथों की कंधों तक शिथिलता का अनुभव करे।
अब ऊपर का भाग, कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूढ़े, दांत, जीभ, तालु, बायां कपोल, नाक, दाई कनपटी, कान, बाई कनपटी, कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और सिर, प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। कंठ से सिर तक प्रत्येक अवयव पर ध्यान, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव, पूरी जागरूकता। शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक, पूरे शरीर की शिथिलता, एक साथ पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव, पूरे शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक। अब शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें, शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का, जल प्रवाह की तरह श्वेत रंग का प्रवाह चारों ओर है, अनुभव करें।
शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करे, शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करे। पांचवा चरण, पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरी तरह चैतन्य जागृत हो रहा है। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरी तरह चैतन्य जागृत हो रहा है। प्रत्येक अवयव में प्राण का संचार हो रहा है। अनुभव करें प्रत्येक अवयव में प्राण का संचार हो रहा है। तीन दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सर्ग संपन्न करें। दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। अब बैठने की मुद्रा, धीरे धीरे अरहंते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहु शरणं पवज्जान, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जाम्। अरहन्ते शरणं पवज्जाम्, सिद्धे शरणं पवज्जाम्, साहु शरणं पवज्जाम्, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जाम्। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि।